ये वाइट और ब्लैक दो जो कलर है वो चीजों को सिस्टमैटिक रखता है, एक बाउंड्रीज है, एक सर्कल बनाता है। यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट सर्कल। जैसे कि ज्यादा सर में हीट डेवलप होती है तो ये बाल है वो हीट डिसिपेट करता है, इसके लिए बालों का महत्व है और इसके लिए उसका कलर भी ब्लैक रखता है। अगर किसी को बाल काले करने हैं या सफेद रखने हैं वो चॉइस के ऊपर है, ठीक है। तो आप डाई कराएं या नहीं कराएं, वाइट और ब्लैक दोनों कलर मुझे पसंद नहीं है तो लाल मैं बोल नहीं सकता। अगर आपको नेचुरली वही बालों को वापस ब्लैक करना है तो मेरे पास आइडिया है। बाल कहाँ पर आएंगे, थंब पे कहाँ पे, अभी थोड़ा टॉप पे। बालों का कलर क्या है, काला कलर लेकिन नेगेटिव। मैंने क्या कहा कि अगर आप हेल्दी है, आपके पास पांचों तत्व बैलेंस में है और आप ब्लैक का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो गलत साबित होगा। लेकिन अब जब आपको बालों की डेफिशिएंसी है या बाल सफेद हो रहे हैं तो आप काला कलर करेंगे तो उसको हेल्प होगी। जैसे अभी पहले के जमाने में हाथ में मेहंदी भी लगाते थे तो काला कलर तो नहीं है, सर पे भी लगा सकते हैं। वापस यही बात हुई ना, हीट डिसिपेशन वाली मेहंदी होती है वो ठंडी होती है, जिसका ज्यादा गर्म रहता हो वो लगा सकते हैं। गुस्सा और शॉर्ट टेंपर के लिए आप जितना हो सके ग्रीन से दूर रहिए। अभी बाल लाने के लिए हेड पर काला कलर बताया मुझे, काला कलर ब्लैक कलर बोलिए। बाल का ये सफेद है और जो खड़ा करते हैं हाथ से आप बोलेंगे ना तो वही हाथ को पानी से सर पे लगाना चाहिए तो आपका सफेद बाल काला हो जाएगा। वेरी गुड, इनके पास काफी नॉलेज है। ये भी येलो कलर है सर। What is the science behind this color therapy? I would like to know, like, how does it work? White paper, please, white paper, please. Okay. Please maintain this discipline. Jab mic aayega tabhi baat karenge. I just want to know what is the mic chalu kar rahe hain. Oh, black hai na, iske liye time lag. I just want to know the science behind the color therapy, right? How does it work exactly? See, I told before as well, every color has got some frequencies and that frequency penetrates in us as per its strength, okay? And we have got inside different colors like blood, red color. So that helps, wo color jo hai, wo penetrate hota hai andar aur usko support karta hai. Jaise sab jan कोई अच्छा फेस्टिवल होगा तो रेड कलर डालते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आप क्यों रेड कलर डालते हैं, काला डाल के जाइए ना, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं नहीं उधर काला नहीं डाल सकते, क्यों, जवाब दे सकते हैं, जवाब दीजिए, एक्सप्लेन करिए। आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ये एक नेचुरल सिस्टम है और ये नेचुरल सिस्टम जो हमारा शरीर जो पांच तत्वों से बना हुआ है वही पांच तत्वों को ये कलर सपोर्ट करता है। ये पांच तत्व में जब भी इम्बैलेंस होता है तो उसको डिजीज कहते हैं, समझ गए। तो अगर किसी को रेड कलर की डेफिशिएंसी है या ऐसी डिजीज है जिसको रेड कलर सपोर्ट करेगा तो आप रेड लीजिए और आप देखेंगे कि वो जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाए। मतलब कि पांच तत्व के ऊपर ही पूरा बेस है और ये पांच तत्व को अलग अलग कलर अलग अलग तरीके से सपोर्ट करता है। जैसे अभी मैं आपको एनर्जी वाइज बताता हूँ, ये जो पांच तत्व है, सबसे पहला वायु मैंने बताया, उसको विंड कहेंगे, ठीक है। तो वो विंड तत्व एनर्जी जो है वो ग्रीन कलर से स्ट्रांग होती है। वैसे ही अग्नि सेकंड तत्व है, मतलब कि फायर, उसकी एनर्जी हीट होती है। फायर होती है वहाँ गर्मी होती है ना, ठीक है। तो हम लोग जब भी किसी का शरीर ठंडा हो गया, मतलब क्या ठंडा हो गया, मतलब क्या
डेड, मतलब कि इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। तो जब अग्नि नहीं है हमारे अंदर, हीट नहीं है, तो मर जाते हैं। तो लाल कलर हमको क्या देता है? अग्नि में क्या कलर दिखता है? रेड या ऑरेंज, तो ये दोनों कलर हमको सपोर्ट है। अब आपको समझ में आया, पांच एलिमेंट कलर पांच को पूरा इसको सपोर्ट करता है। इट इज अ मेडिसिन फॉर अस। सो इट्स लाइक, कैन आई हैव अ माइक? यस सर, आपने आपने बताया गुस्से होते या शॉर्ट टेम्पर होता है तो ग्रीन कलर से दूर रहना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो वी कैन अवॉइड ड्रेस और वॉट एवर, बट हाउ अबाउट वेजिटेबल्स, स्वीट ग्रीन वेजिटेबल्स? सो वो भी नहीं खाना चाहिए? हाँ, ग्रीन है तो कम खाना चाहिए, कम खाना, ज़्यादातर खाना या कपड़े ब्राउन वाइट या येलो कपड़े। लेकिन देखो, अभी एक सिंपल सी बात है कि अगर कोई बच्चा बहुत यहाँ से वहाँ भागता है, मतलब हाइपर है, ठीक है, दिन में वो 50 राउंड भागता है, अगर उसके उसको हम लोग ने एक हैवर शेक दे दिया वजन डाल के 10 के जी, तो दिन में उसके चक्कर कम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? मतलब कि उसको कौन सी एनर्जी चाहिए? अर्थ एनर्जी चाहिए। वो येल्लो कलर से आती है, तो अगर उसको येलो कलर दे देंगे तो उसकी जो हाइपर गतिविधियाँ है कम हो जाएगी, या फिर उसको वाइट कलर ज़्यादा डालवाना चाहिए तो भी वो कंट्रोल रहेगा। How can we cure asthma? You can cure asthma by just red color, very simple, red or green. उनका कहना है कि अस्थमा वाला सुबह झाड़ को जाके हग करेगा तो उसका अस्थमा कम। अगर आपको जो एसिडिटी है ना, एसिडिटी है तो एसिडिटी कम करना है ना, निकालना है तो लहसुन सफ़ेद है ना वो डालना चाहिए, एक एक घंटा में पीना चाहिए, छोटा छोटा पापली। और अगर आपको रिंकल्स है ना तो लहसुन एक एक घंटा में लेंगे ना तो आप पूरा ये हो जाएंगे। अच्छा, लहसुन एक एक। अभी क्या है, यहाँ पे हमको कलर के बारे में डिस्कस करना है, तो मेरे को कॉन्सेंट्रेट करना है कि कलर के बारे में। वी विल लिमिट आवर डिस्कशन टू कलर्स ओनली, नॉट टू कॉम्प्लिकेट, वील सिंप्लीफाई विद सिंपल कलर्स, वेरी सिंपल। आई नो यू गॉट वेरी गुड नॉलेज, बट फॉर दैट यू हैव टू मेक अ नोट एंड यू हैव टू गिव अस 5-10 पेज जो भी होते हैं कॉपी करिए और हम सबको दे देंगे, तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। बोलिए सर, कान के लिए कान का कुछ प्रॉब्लम है तो क्या? अगर कान का प्रॉब्लम है जैसे कि आपको सुनाई कम देता है, ठीक है, या कोई भी कान की कोई भी स्ट्रेंथ कम वाली प्रॉब्लम है, तो सिर्फ कान कहाँ आएगा? यहाँ पे वहाँ पे सिर्फ काला कलर। आप लोग मुझे ये बताइए, जब ठंड होती है तो कॉटन कहाँ डालते हैं, क्यों कान में डालते हैं, नाक में क्यों नहीं डालते? सब कान में डालते हैं, क्यों? कोई जवाब नहीं दे सकता। अब मैं बताता हूँ, कान जो है वहाँ पे बहुत ही पुअर सर्कुलेशन है ब्लड का, वहाँ का टेम्परेचर हमेशा पूरे बॉडी से कम होता है और उसको हम लोग वाटर एनर्जी कहते हैं, तो कान में ब्लैक कलर आता है। तो कान को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो सिर्फ 2 ब्लैक डॉट्स डालते हैं, आपको कान ठीक हो जाएगा। सर, घर पे कौन से साइड में, कौन से डायरेक्शन में कौन से कलर्स लगाने हैं? बहुत आसान है, ईस्ट में क्या होता है तो कोई कलर, वेस्ट में क्या होता है सनसेट होता है, तो सनसेट के लास्ट मोमेंट में जो कलर होता है, नहीं गोल्डन, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, गोल्डन आप बताएंगे अभी आप कौन सा कलर होगा? सनसेट हो रहा है, लास्ट लास्ट कलर एकदम रेड, तो जब वो जब राइज होता है तब
ब्लू ब्लू या कभी कभी थोड़ा सा ब्राउनिश होता है, पर्पल वेस्ट में ब्राउन, ईस्ट में रेड पिंक ऑरेंज, नॉर्थ में ब्लू ब्लैक, अभी साउथ बच गया। फिर आप और चार डायरेक्शन निकालेंगे तो मैं तो बता सकता। अच्छा अभी आप ही आपके हिसाब से सोचिए, मैं मेरा काम है सिर्फ कॉन्सेप्ट देना है, ठीक है। हमारे साउथ में क्या होता है, ज्यादा गर्मी होती है कि नहीं, रेड कलर। नॉर्थ में क्या होता है, हमारे गंगा जी है, पानी ब्लू ब्लैक, पानी का कलर ब्लैक। वेस्ट में व्हाइट भी आता है, नॉर्थ ईस्ट में ग्रीन, और मेटल का मैंने बताया ब्राउन और व्हाइट। नॉर्थ वेस्ट में सिल्वर गोल्ड, फिर साउथ ईस्ट में लाइट पिंक, लाइट ग्रीन या फिर लाइट रेड। अभी कौन सा बचे, साउथ वेस्ट येलो, और कोई हो गया, आठ डायरेक्शन पूरे घर के बदल दीजिए। चार कलर बताया, बोलिए। हार्ट ब्लॉकेजेस, इट मींस वहां पे मूवमेंट बंद हो गई है, वहां कुछ देना चाहिए, तो देने के लिए कौन सा कलर है। ऐसे ही बहुत सिंपल है, थोड़ा सा शेप वो भी नहीं चलेगा। वुडन अर्दन पहले बताए, आज भी कोई नहीं साउथ इंडियन घरों में अर्दन पॉट में सांभर बनाते हैं और वो बहुत बढ़िया होता है। फिर वो जमीन के अंदर वो मटके के अंदर पकाते हैं, वो भी बहुत स्वाद में बहुत ही स्वीट होता है। आज भी आप ये हरिद्वार साइड जाएंगे तो वहाँ चाय वगैरह वो लोग मिट्टी के बर्तन में देते हैं। तो ये सब छोटी सी चीजें हैं जो आपको हेल्थ के लिए बहुत यूजफुल। बोलिए, एक एक उंगली को कितना कलर लगा सकते हैं। जितने भी कलर है सब लगा सकते हैं, लेकिन एक उंगली में एक ही कलर, वही पूछ रहा हूँ। तब थम्स के लिए एक कलर यूज किया तो दूसरा उसके नीचे यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, लेकिन अगर आपको क्या प्रॉब्लम है वो हिसाब से आपको सोचना है। जैसे कि दो प्रॉब्लम एक साथ में हो सकते हैं, जैसे बालों का प्रॉब्लम है तो आपने यहाँ काला कलर लगाया, और दूसरी बात पैर दर्द करता है तो आपने इसको पूरा लाल कलर लगा दिया, हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। Thank you, sir. Welcome. You said very simple. You said earthen plate for eating. Does ceramic come on the earthen? No. So ceramic is not good. No. It has got the same thing like metal. In this field, you want? दर्द करता है। कोई भी दर्द निकालने के लिए मैंने सबसे पहले कह दिया है। Very good. मेरे फ्रेंड को जरा पूछना है कुछ। मेमोरी और इंटेलिजेंस किसी ने पूछा नहीं, तो उसके लिए ब्लू कलर लगता है। उसके लिए आप ऑरेंज कलर करिए।
मेमोरी और इंटेलिजेंस चाहिए तो आप ऑरेंज कलर सर पे करिए। देखिए ये चक्रा का कलर क्या है, किसी को पता है यहाँ का? आपने चक्रा का कलर कौन सा? ऑरेंज। तो ब्लू कलर जो है वो ब्लैक कलर के जैसा ही होता है। ब्लू और ब्लैक दोनों ही शरीर में दर्द बढ़ाता है। और ज्योतिष शास्त्र अगर किसी को मालूम हो तो राहु और शनि का कलर है जो तकलीफ के सिवाय कुछ नहीं देता। ब्लू भी ठंडा, ब्लैक भी ठंडा होता है, ब्लैक ठंडा होता है। बहुत ही सिंपल एक कलर की नहीं है, कलर तो मैं बता सकता हूँ कि आप वहाँ पे लाल कलर करिए, लेकिन अभी आप लोग सब दांत साफ किससे करते हैं? कौन सी एनर्जी है ये कैसा रहेगा? आप ब्रश करिए, ब्रश से फिर उंगली से थोड़ा थोड़ा घुमा दीजिए गम्स पे, तो आपके दांत ज्यादा सालों तक आपका साथ देगा। फॉर स्मोकिंग, स्मोकिंग जिसको एडिक्शन हो तो उसके तो कलर्स। ये क्या होता है, ये इमोशनल लेवल और डिजायर लेवल, मतलब रीजन लेवल, इमोशनल लेवल का केस है। वैसे तो इतनी आसानी से कलर नहीं बता सकता, लेकिन आप जितना भी अभी आप देखिए कि किसी को ये व्यसन होते हैं, मतलब कि आदत है, मतलब उसको थोड़े थोड़े समय में वो चाहिए, राइट? तो उसको अगर हमको उससे छुड़ाना है, मतलब वो डिजायर की मृत्यु चाहिए, ठीक है? तो कौन सा कलर मृत्यु के लिए? तो उनका जो माउथ का है यहीं पर होता है ना, मन यहीं होता है, वहां पे काला कलर करेंगे तो उनको मन नहीं होगा। अरे यहाँ पर नहीं है। नहीं तो मुंह पे काला पट्टा रहा। सर जिनको नींद की प्रॉब्लम, जिनको नींद की प्रॉब्लम हो, बोलिए बोलिए। नींद की प्रॉब्लम को तो आंखों के ऊपर ग्रीन पट्टा, लाल पट्टा, सेम ब्लैक। फियर, मैंने कहा ना ब्लैक कलर गिव्स फियर, उनको फियर डेवलप होगा एक प्रकार का, नहीं ये पीने से ये होगा वो होगा, डर पैदा होगा। ब्लैक कलर से फियर होता है। आप लोग सबने एक्सपीरियंस किया होगा, कभी कभी आप किसी को मिलते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि नहीं ये कोई जान पहचान वाला अच्छा आदमी, कभी कभी किसी से फियर डेवलप होता है, समझ गए? तो ये जो फियर है एक बार डेवलप होता है तो वो सिगरेट या वाइन वगैरह देखिए उनको डर लगेगा तो छोड़ दीजिए। आकाश एंड जल तत्व के लिए कुछ बताएं। जल तत्व मैंने कहा कि ब्लैक कलर बताया है आपने, जैसे मैंने ईयर के बारे में बात की तो जल तत्व है, और हमारे में आकाश तत्व को हम लोग मेटल एनर्जी समझते हैं, तो वो दोनों सेम हो जाते हैं। वाइट आकाश कैसे सफेद होता है ना, जब भी बादल नहीं होते वाइट कलर कंसिडर किया गया। और किसी को कोई सवाल हो तो पूछिए, नहीं तो मैं वो मेटल का और कलर का डेमोंस्ट्रेशन दिखाना चाहता हूँ। जो ज़्यादा इमोशनल हो और उसको थिक स्किन होना है तो ब्लैक कपड़े डालिए, और जिसको सेंसिटिव होना है तो आप रेड और येलो क्लोथ डालिए। फैमिली प्रॉब्लम सब में ज्यादा आजकल होते हैं। फैमिली प्रॉब्लम्स में स्पेशली लेडीज को पीरियड्स के प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है? तब जैसे हमने ये दो पैर बताया है तो जेनिटल्स यहाँ आते हैं, अगर किसी को पीरियड्स नहीं आते हैं तो ये पार्ट में लाल कलर करिए, और अगर ज्यादा है तो यहाँ पे ब्लैक कलर करिए।
मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इंडिविजुअली डिजीज के बारे में आपको बताऊँ, क्योंकि बहुत डिजीज होते हैं। आप एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बना लीजिए, आज मैंने बेस दिया है आपको, शांति से यही आप चीज देखेंगे ना तो आपको तुरंत ये कलर सिस्टम समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। और पूछना है किसी को? फैमिली प्रॉब्लम्स घर में बहुत होता है, तो जितना आप घर में येलो कलर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतनी फैमिली यूनाइटेड रहेगी। काला नहीं होना चाहिए, ये अच्छा है आपका कलर, बहुत अच्छा। ऑरेंज भी लग रहा है। मेरा लड़का है, उसे कफ होता है और बाद में फ्लू होता है, वो बहुत बढ़ के फिर उसको फिट्स जैसे होता है। उसको जितना हो सके लाल कलर कोई भी एक फिंगर में रोज दिन रात करते रहिए 24 घंटे। और लाल कलर और ग्रीन कलर के कपड़े डालिए। थैंक यू। रेड कलर ब्रेन। सर एग्जाम्स के दौरान बच्चे पढ़ते हैं लेकिन लास्ट मिनट में ऐसा होता है सब वॉश आउट हो गया, कुछ भी याद नहीं है, बहुत फियर होता है। फियर? देखो सवाल नहीं जवाब है, अभी आप लोग बताइए कौन सा कलर फियर है। एग्जाम का फियर है तो रिमूव करना है, कौन सा कलर? लेकिन उसमें कॉन्सेंट्रेशन के भी मतलब दोनों में काम है। रेड कलर ऑरेंज भी चलेगा। मेंटली जो रिटार्डेड होते हैं बच्चे, मतलब कि पूरा ग्रोथ हुआ नहीं, तो ग्रोथ के लिए कौन सा कलर? ग्रीन। मैंने थम कट गया एग्जांपल दिया ना आप सबको, तो ग्रीन कलर ग्रोथ लाता है। और ग्रीन कलर में बहुत आइडियाज भी आती है, ओरिजिनलिटी, मतलब वो भी कोई राइटर है कोई पोएट है उसको नए नए आइडियाज चाहिए, पेंटर है तो वो ग्रीन कलर डालना चाहिए। जैसे वो मेरे फ्रेंड पीछे बैठे हैं ना, उनके पास कितनी आइडियाज है, बिकॉज ही इज वेयरिंग ग्रीन, सो ग्रीन गिव्स हिम सम आइडियाज। आई रियली अप्रिशिएट योर आइडियाज, इट्स टोटली आयुर्वेदिक, बट ओनली प्रॉब्लम इज आउट ऑफ द सिलेबस। यस, this finger, not this finger, okay? Otherwise your gums will be swollen with this finger. So use this finger. Thank you. अभी मैं आपको demonstration दिखाऊंगा, आप में से कोई बहुत strong हो यहाँ आएगा। ग्रीन कलर रोज लगाइए ना, क्या फर्क पड़ता है। देखो मैंने पहले ही आपको बताया कोई भी बाउंड्रीज नहीं चाहिए, बाउंड्रीज नहीं चाहिए। इसमें क्या होता है कि बॉडी अपने हिसाब से उसको ठीक करता है, ब्रेन उसका, पेशेंट का ब्रेन उसको ठीक करता है। हम लोगों का काम है कलर लगा के प्रोग्रामिंग करना, ठीक है? जितना ब्रेन जिसका अच्छा होता है उसको रिजल्ट जल्दी आता है। हाई और दूसरा समझ, हाई और लो दोनों है, मतलब कि रेगुलरिटी नहीं, इरेगुलर है, तो सिस्टमैटिक कराना है। तो कौन सा कलर? व्हाइट, नहीं तो ब्राउन। कोई भी एक फिंगर, हाथ या पैर की। तो चलेगा, दोनों भी चलेगा, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन में कभी होता है लेडीज बोलेंगे हमारे साइड से कोई नहीं आया तो प्रॉब्लम, और लेडीज को कभी ना नहीं कहना। अभी आपने सोना डाला है, मुझे सोना लगेगा या मेटल कोई भी।
कॉपी अब मैं ले लेता हूँ। दोनों भी टिप्स टच कर, अभी मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ और ही हैज टू होल्ड टाइट। अगर खुल गया तो घड़ी मारो। बहुत स्ट्रॉन्ग है। सवाल है गाड़ी नहीं मिलेगा। टाइट गाड़ी नहीं मिलेगा। मेंटल एनर्जी, यू लूज योर स्ट्रेंथ। अभी वहां पे मैं और कुछ रख लूंगा। होल्ड इट टाइट। आ गई ना स्ट्रेंथ, मतलब कि मेंटल से एनर्जी कम होती है, ये सब निकाल दीजिए। ठीक है, आप ग्रीन बेल्ट, रेड बेल्ट, ऐसा कोई लेदर का पहनता होगा वो पहन, लेकिन मेटल को नहीं डाली। ये मेटल की जो घड़ी आप लोगों ने डाली है, इससे नेक पेन होगा, नेक पेन। जैसे भी आप मेटल को टच करोगे तो आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाए। सेम वे आई विल एक्सप्लेन फॉर कलर्स एज वेल। ओके पार्टनर लीजिए और गाइड कर लीजिए। प्लीज टेक अ पार्टनर। सर एवरीबॉडी हैज टू कैरी कॉइन्स इन द पॉकेट। एवरीबॉडी हैज टू कैरी कॉइन्स इन द पॉकेट इफ यू आर गोइंग टू बाय समथिंग। सो एवरीवन हैज मेटल बट दैट कॉइन इज नॉट टचिंग यू, नो, दिस इज टचिंग यू डायरेक्टली। Is it touching your body? Very strong. Then I have no problem. Okay, सब लोग करेंगे? Last time. और आपको? Okay, okay, और एक demonstration है तो आप तब तक कर सकते हैं, एक मिनट की स्टेज देख लीजिए। Okay, this is another okay sir, I have black color. This is a black color pen that is being put on the left hand. So this is the color effect. See the black color. Okay, now we are going to replace the black color with the red one. Red color. This is a red color ball pen, this plastic ball. Orange or red, whatever. Yeah, see now, it's got very strong. Okay, yeah. Now Vincent is being called here. Vincent? Can you come down? Yes. Yes. Welcome.
no matter. Reduce your matter. If you can't remove it, reduce it. Okay? Now I will show her something. The same thing. But with her color, dress. Okay? Sir, also does with the numbers. Sir, I would request you to do the number. It's a very simple one. He normally takes a paper and he writes a number, and then you see the difference of number holding the number in the finger. Just a normal paper. This time one more. Let it come. Somebody else want to try? Come. You can come down. Blue color. So sir is writing now a number. We'll see what the number is later. No, not right. There are two different papers with different numbers. Let's see the difference. Okay, now he's going to do the same thing. Sir is trying to open it. He cannot open, the strongest man, probably. Now he's given the number. And now again, the strong man with it. Okay, so let's sir replace this number with some other number. This number I got. Let's see what this number is. We'll see this number. Yes, hold on. This is another one. Now you got the number. And the strong man is back to. So okay, he got the number. He got the number. The number is 1. And the number over here is 5. Okay, so number also has effect on us. So what is the effect you have seen this now? What is the effect? Our subject is color. So we will restrict ourselves. Do you like number in 1, 2 or? Sir, what about diamond and among us? Mike, please pass on the mic. Mike, pass on the mic, please. To wear diamond, you require again metal. Yes? It's white and pearl is white. Whatever metal. All the metal are bad for the health. And gold? Then all the metals are equal. It can be iron or gold or silver or whatever. Mangalsutra, people are using black money as well, no? Yeah. You can select that. Black money is not bad like gold. Got it? So try that. But don't wear so many. Like some people, they wear lot of gold. One chain, two chain, three chain. You know, have you seen such people? It gives nothing but pain. So try to reduce metal. Yeah. I hope you all enjoyed. Yes. Thank you very much. Thank you.
I have got green color things to wear for eyes. You cannot try that. And my cards and all I will give you on the side. Or you all can write down my cell number 922. केतन दुबई जी नाम है उनका ये विषय केतन दुबई डॉक्टर केतन दुबई सर को प्रोफेसर का नाम बताइए प्रोफेसर पार्क PARK JAE WOO पार्क जे वो मैं सिखाता हूँ सुजोक फिर पेंशुई वास्तु न्यूमरोलॉजी पेंडुलम डाउजिंग तो थर्सडे को मतलब कल ही मेरा क्लास माटुंगा में है वन कोर्स डाउजिंग का है जिससे आप हेल्थ प्रॉब्लम्स या एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन गेट द सॉल्यूशन आउट ऑफ इट इसके बाद मंत्र सिस्टम यंत्र सिस्टम आई होप दैट्स ओके Except today is this meeting, nothing is free. All my advice are free. But very expensive, it is not free. Mind you, it's very expensive. Don't take it lightly. मैंने इतना आसान कलर थेरेपी दिखाई है फिर आप कॉम्प्लिकेटेड मैग्नेटो थेरेपी भी कर जाते हो इतना सिंपल है क्या जरूरत है मैग्नेट की बोल रही है मैग्नेट में ऑलवेज कंफ्यूजन नॉर्थ कौन सा है साउथ कौन सा है अगर मैग्नेट में से कलर निकल गया तो आपको कैसे पता चलेगा उससे जो कलर तो दिखता है ना ऑलवेज सिंपल इज मोर इफेक्टिव बट द ओनली प्रॉब्लम इज बिकॉज इट इज सिंपल लेस एक्सपेंसिव वी डोंट वैल्यू मैं तो सभी चीजों से करता हूँ सबसे ज्यादा कलर इस्तेमाल करता हूँ अब आप कलर का इस्तेमाल और कोई क्वेश्चन वो टेली का मतलब मंत्र बटन मंत्र 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 कुछ टाइम अवधि दी गई है मैं वो अवधि का बढ़ा नहीं सकता हूँ आप लोग अगर सब रेड कलर में आते तो स्ट्रेंथ डेवलप होती और वो अवधि बढ़ जाती तो शायद मैं बता पाता ब्लू कलर इज इक्वल टू ब्लैक कलर सेम नो डिफरेंस यस थैंक यू थैंक्स अ लॉट मैं प्लीज बैठ रही मैं सर नॉर्मली कोर्सेज कनेक्ट करते हैं बिला पार्ला और दादा भी कनेक्ट करते हैं किसी को अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो जमीला बाहर बैठिए आप अपना नाम और मोबाइल नंबर दे दें और वो जब भी कोर्स चालू होगा तभी हम आपको पता कर देंगे ओके जय गुरुदेव हम अपने पूरे SSY परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने ओनली 5 फिंगरों से जो कलर्स हमारे चारों तरफ अवेलेबल है इतनी सुंदर तरीके से आपने हमको ज्ञान दिया कि हमारे को रियली प्रैक्टिकली ही बहुत ज़्यादा हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है सब लोग सबकी तरफ से श्योर करती हूँ कि सब लोग इसको
इंप्लीमेंट करेंगे, हमारा परिवार भी यूज करेगा, हम ही नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल हम आपसे आशा करेंगे कि आप इस तरह से और आगे भी आएंगे और हमारा और भी ज्ञान देंगे कि आपके अंदर देखा कि अथा अपने अंदर जो ज्ञान का हो तो हम भी चाहेंगे कि हम सभी लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हो। थैंक यू। हम उससे बाहर आ सकते हैं, कोई भी हेल्थ की बीमारी से हम बाहर आ सकते हैं। कितना लॉजिकल अपने आप को उनमें डॉक्टर बनाया है। कोई भी चीज़ को सीखना एक बात है, उसको प्रैक्टिस करना दूसरी बात होती है। तो आप जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना उसका फायदा आपको होता जाएगा। सिर्फ आज आपने सुना कल से प्रैक्टिस नहीं किया तो कुछ नहीं। तो आप आज से ही, कल नहीं, आज से ही उसको प्रैक्टिस करना शुरू करिए। जब भी आप रात को सोते हैं तो वो कलर का टीका कर दीजिए और शुरू कर दीजिए। कल ही वो मार्कर पेन लाइए, जो भी आपको एनर्जी चाहिए उसको जरूर आप अपने साथ में दीजिए। लाइफ वेरी वेरी हेल्दी एंड पावरफुल। ओके, इतना आसान, इतना ज्ञान पूरे देश में, पूरे विश्व में है और कितने ग्रेट मास्टर्स इंटीजियर से हमारे पास है और हमेशा सेवा के रूप में हमारे पास आते हैं हर बुधवार को। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू सर जोरदार। और एक बार जोरदार हर बुधवार ऐसे हम मिलते हैं और नेक्स्ट बुधवार को भी ऐसे ही एक बहुत ही सरप्राइज लेके हम आएंगे। और आते रहिए।